सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ टिप्स इन हिंदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हड्डियों को कमजोर बनने से कैसे बचाएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस दौर में बहुत से युवा कम उम्र में पैरों में दर्द और हड्डियों में कमजोरी की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं, जिसकी मुख्य वजह है अनियमित खानपान और गलत जीवन शैली। बहुत से लोग घर और बाजार में मौजूद ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिससे हड्डियों में कैल्शियम का स्तर कम होने लगता है, जो आगे चलकर किसी गंभीर समस्या का रूप भी धारण कर सकता है। एक स्वस्थ शरीर के हड्डियों को मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपके खाने की कुछ चीजें आपकी हड्डियों को कमजोर कर रही है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं उन चीजों के बारे में। चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन हड्डियों को कमजोर कर रहा है। चाय और कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसका सेवन आपकी हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा मात्रा में नमक के सेवन से भी हड्डियां कमजोर हो जाती है। नमक में सोडियम मौजूद होता है, जो शरीर में जाने के बाद कैल्शियम को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए आपको बहुत ही सीमित मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए। बहुत से युवा कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोरस मौजूद होता है, जो हड्डियों को कमजोर करते हैं। ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन भी आपके शरीर की हड्डियों को कमजोर करता है। अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो आपको अपनी इस आदत को बदल लेना चाहिए, वरना भविष्य में आपको किसी गंभीर समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यह चार चीजों के सेवन से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, इसलिए आज से ही खाना बंद करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।